हम अभी केक ले रहे हैं। ये वाला केक पसंद कराए हमने चॉकलेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मैं ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी ठीक हो गए। ईद का दूसरा दिन मुबारक। अक्सर लेट हुई मोबाइल देख रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को मेरी तरफ से ईद का दूसरा दिन मुबारक। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। सुबह भी उठ गई है, अक्सर भी उठ गई है, सीमा सो रही है। मैं अभी नाश्ता तैयार करती हूँ। नाश्ते में देखते क्या बनाते। आज अंडे परांठे बनाते, काफ़ी दिन हो गए अंडे परांठे खाए हुए, तो शायद अंडे परांठे बनाते। फिर शाम में हमारे घर मेहमान आएगी, फिर उसकी भी तैयारी करनी है, तो घर की सफाई वफाई करते फिर उसकी तैयारी करना शुरू करेंगे। इससे मैं आटा लेती हूँ और नाश्ते बनाने की तैयारी करते। मैं क्या ऊपर बाद में निकालेंगे गोश्त वगैरह, इधर से निकालते आटा के बड़ा सारी चीज़ें रखी हुई। अभी मैंने लहसुन अदरक भी पीसना है, पेस्ट बनाना उनको। चलो जब तक मैं नाश्ता बनाऊँ, बच्चे अभी तक सो रहे, उठ नहीं रहे, छुट्टी है ना, ये का दूसरा दिन है, थक गए थे। सभी मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। टीवी फोन चला रही थी तो मैं जाकर देखती हूँ कि मम्मा ने क्या पकाया है, तो कि मुझे भूख लगना शुरू। यहाँ मैं बैठ के फोन चला रही थी तो अब चलते हैं किचन में, मम्मा क्या पका रही है। चलो आ जाते रहते। मम्मा आज चिकन बना रही है, क्योंकि चिकन सामने रखा हुआ है इसलिए मैंने देख लिया। मम्मा आज आप ऐसे पका क्या रही हो? चिकन कौरमा बना रही है मम्मा। और मम्मा वो क्या है? मम्मा कौरमे का मसाला है इसके अंदर। मम्मा ने क्या क्या डाला है? कौरमा मसाला डाला है, घर का मसाला डाला है, सीक्रेट मसाला घर का। अच्छा, और ये प्याज है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम बार बार बोलते हैं, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। हमने आपको पूरा रमज़ान व्लॉग बना के दिखाया है, आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। हम बड़ी मेहनत करते हैं व्लॉग बनाने में, पूरा दिन लग जाता है हमें। और हमारे यहाँ मेहमान नहीं आ रहे, फिर जब वो आएंगे फिर हम आपसे उनको मिलाएंगे। देना बेटा। और ये बेटा सीमा को आप है ना, ये लहसुन पीसा हुआ, आज मैंने लहसुन अदरक पीसा था और ये चटनी भी पीसी थी। ये लो दोनों, ये दिखाओ मम्मा। ये क्या है मम्मा? ये मैंने ना क्या लहसुन अदरक पीस के रखा है। अच्छा, और ग्रीन चटनी पीस के रखी है। तो मम्मा क्या करो, रायता वगैरह में इस्तेमाल होती है ना। हाँ, ये फ्रिज में रख के आ जाओ। अच्छा, ठीक है। ये हमने फ्रिज पर स्टिकर लगा दिए थे, अक्सर लाए थे उस दिन। अरे यार, फ्रिज खुल ही नहीं रहा। खोलना कैसे पर रहे उंगलियों से, तो मैं इसको नीचे रख देती हूँ। अब हम चलते हैं, फ्रिज को मैं खुला ही छोड़ देती हूँ। मैं जल्दी था, मैं फ्रिज को खोला छोड़ के आई हूँ। जल्दी से रखो, भागती भागती आ गई थी। और रात तो चलो, हमारा काम खत्म हो गया फ्रिज का, चलते हैं। और यहाँ से कुछ गिर भी गया तो चलो। अच्छा मम्मा, मैं रख कर आ गई। क्या कि ये दही भी रख क्या हुआ की? जी मम्मा, दो अब इस बस में बर्तन धोगी। आपने सलाम करा अपने भी? नहीं मम्मा, मैंने नहीं करा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। हाँ, एक तो फ्रिज को खोलना मुसीबत, एक हमें उल्लू के ना इसलिए। तो भागते भागते जाएंगे और
मुंह में रख कर आ गई। फ्रेंड के साथ सब लोग मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज ईद का तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं फालूदा खाने। तो अभी हम लोग तैयार हो रेडी हो गए, तो अभी हम लोग जाएंगे फालूदा खाने। और कल का हमने व्लॉग का एंड नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा सा मुकम्मल नहीं हुआ था व्लॉग। तो आज का हम दूसरे और तीसरे दिन का एक साथ देंगे। तो आ जाओ एक साथ, चलो चलते रख साथ देखते, फिर चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगे। कल हमने व्लॉग मुकम्मल नहीं हुआ था हमारा, कुछ इनके पापा के दोस्त वगैरह आ गए थे तो उनमें लग गए थे, मुकम्मल नहीं किया हमने व्लॉग को। तो आज ईद का तीसरा दिन, आप सबको ईद का तीसरे दिन मुबारक। ईद ये मेरा फुल लुक है और आपको तीसरा दिन मुबारक हो ईद का। और ये अक्सा है, ये अक्सा ने रेड सूट पूरा पहना, रेड मैचिंग के देखे अक्सा की, अक्सा का मेकअप और रेड हेयर बैंड लगाया हुआ है, रेड पौनी है और रेड ये नेकलेस पहने हुआ है और रेड इसका पर्स है। इसने नया सूट पहना है, दूसरे दिन का नया सूट है इसका, कल गए नहीं थे कहीं तो आज इसने पहना है। तो आज जा रहे फालूदा खाने और आप सबको मेरी तरफ से ईद का तीसरा दिन मुबारक। ये सिमाम ने आज ये पहले का एक दिन पहना है ये भी सूट, तो वो पहना है कि इसने अभी दूसरे दिन का नहीं पहना कि बाद में कहीं जाऊंगी तो फिर पहनूंगी मैं। अभी फालूदा खाने जा रहे इसलिए नहीं पहना, वो ज़्यादा हैवी है इसलिए इसने नहीं पहना, वो ज़्यादा फैंसी हो जाएगा। हाँ मैं सादे से थे इसलिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो नए हैं हमारे चैनल पे आए हैं उन्होंने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ईद के मौके पे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज बस अभी चलते और फ्रेंड सब्सक्राइब पर कोई पैसे तो नहीं लगते, फ्री है सब्सक्राइब, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और बताइएगा अक्सा और सीमा आप कैसे लग रही है, कमेंट्स जरूर किया करें, कमेंट्स ही नहीं करते आप लोग, बताइएगा जो माशाल्लाह कहिएगा अक्सा और सीमा। चले चलते बैठ गए हैं, रक्षा में बैठ गए, अभी हम जा रहे हैं। चढ़ के बस थोड़ी सी देर और फ्लोरा में जा रहे हैं हम फालूदा खाने। क्वेटा के पास है स्टेशन आ गया और हवा तो चल रही, मेरे सारे बाल उड़ रहे, अक्सर खाने पे बैठे इसलिए उसके नहीं उड़ रहे। अक्सर से उतर रहे, उतर गए, 5 बज रहे, घूमते घूमते और हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली, खा जाकर आराम करेंगे। बाहर भी निकल गए क्योंकि हम जा रहे हैं, हमें पसंद नहीं आया, नहीं हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से, हम चल रहे हैं में आ रही इधर बैठेगी हम लोग। ये लक्सा एक केबिन बना हुआ है ये, और इधर हम लोग बैठेंगे, आगे आ जाते हैं मम्मा। चलो ये पूरा केबिन है, आज ठंड है तो इसलिए पंखे नहीं चलाए हुए, अब हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। सॉरी मैं सीट में मैं बैठ जाती हूँ और ये मेन्यू है यहाँ का और ये अच्छा बैठ गए। मैं आपको मेन्यू दिखा देती हूँ,
लिखी हुई मिल्क शेक, कॉफ़ी एंड चाय, फ्रेश जूस, आइसक्रीम शेक, आइसक्रीम। अब हम लोग इसमें से फालूदा देखते फिर लेते। ये फालूदा और आइसक्रीम मिक्स है, तो हम लोग देखते हैं हमें कौन सा फालूदा पसंद आता है, फिर हम वो मंगाते हैं। बैठी इधर मामा, बैठी मामा, कौन सा फालूदा मंगाए? आइसक्रीम फालूदा खाते ना, वो ही मंगाते हैं हमेशा। सही सही है मामा, वो वाला इस फालूदा का ऑर्डर दे दी, स्मॉल फालूदा मंगाए दीनदार ने, तो अब आ जाते स्मॉल फालूदा मंगाए 3 गिलास, अब आ जाते फिर हम आपको दिखाते कैसा है। तो ये क्योंकि इतनी हम लोगों को 8 आउंस भी आइसक्रीम खाई नहीं जाएगी, इसलिए हमने कुछ स्मॉल ही मंगाए और 3 दाने कम ही मंगाए। तो हम लोग ने टेबल चेंज कर लिए क्योंकि यहाँ से हवा आ रही है ठंडी ठंडी, इसलिए अब हम पीछे इससे एक टेबल पीछे ही जा रहे। तो अक्सर आकर बैठ गई है, पहले आगे ही बैठ गई है, अक्सर पहले वहाँ बीच में बैठे थे, आगे बैठ गई है। तो चलो मैं भी अभी बैठ जाती हूँ, अभी भी मैं आगे ही बैठूँगी। हमने फालूदा का तो ऑर्डर दे दिया, तो अब देखो फालूदा कब तक आता है। कि फालूदा आ चुके हैं, ये तो हम लोग खाए थे, ये मेरा है, ये मेरी बहन का, ये अक्सर आज खेलते हैं। मम्मा काफ़ी छोटे इस बार दिए, पहले बड़े आते थे। ये आइसक्रीम है बिल्कुल, इतना होएगा फालूदा होएगा, तो चलो खा लेते। खा रही है फालूदा और ये मैं खा लेती हूँ, खा गई चम्मच। मैं खा रही हूँ। अक्सर आपको कैसा लगा? अच्छा, हाँ अच्छा तो है, मगर ठंडा बहुत हो रहा है। तो चलो खाना शुरू करते हैं, आपको खाने के बाद मिलते हैं। सीमा आपके पास चली गई है तो खा रहे, मुझे दांतों में लग रही थी आज की, मैंने नहीं मंगाया, मैं कुछ और खाऊंगी। ये देखिए सीमा आप कैसे फालूदा आइसक्रीम, अच्छा है। ये 120 का है, नहीं 120 का नहीं, 180 का है, 180 का एक गिलास है फालूदा का। इसका टेस्ट अच्छा था, हमेशा मुझे ही आके खाते हैं। काफी ज्यादा ठंडी आइसक्रीम है, काफी ज्यादा अच्छी भी है। तो इसे बोलो थोड़ा, बहुत अच्छी आइसक्रीम है और काफी ज्यादा ठंडी भी है। यार सर्दी है, अभी इतनी गर्मी नहीं आई, आइसक्रीम ठंडी लग रही है। ये पैसा वापस देती है उसने, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। दे दिया पैसे, दे दिए ये से देखे लिए, कुत्ते ने क्या कर दिया। अभी अगर 1000 दिए मम्मा ने, अब देखो वापस आएगी। एक हादसा हो गया इधर, नहीं नहीं ये हादसा गलत बता रही है, ये हुआ है मगर गलत इससे लगवाई। जब हम लोग निकल रहे थे ना, आइसक्रीम खा ली थी हमने, फालूदा खा लिया था, तो ये जा रही थी और ये अपनी सीढ़ियों में ना इसने ना पूरा परस गिरा दी थी। वो तो मैं पीछे पीछे चल रही थी और मैंने उठा लिया और मैंने पीछे छुपा लिया, कर मैं इसको अभी बताऊँगी नहीं। फिर ये आगे चली, थोड़ा सा बहुत आगे आ गई, फिर इसने बोला मेरा परस खाए, फिर मैंने बोला ये रहा परस। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, कैनब्रॉस की तरफ, जो हमारे घर की तरफ ही है, उधर जाएंगे हम। सर निकल गए, और अक्सर का ब्रश टूट गया था, अक्सर तो बिल्कुल उसको होश भी नहीं था, चल रही आगे।
हमने उठाते तो दरी पड़ा रहता। और अक्सा की उसमें ईदी भी थी। फिर अक्सा रोती और फिर हमारा सारा मजा खराब कर देती। ये डॉल्फिन बेकरी आइए। मिठाई लेना है। ये बर्फी कैसे दी? बर्फी लेंगे सर। नीचे मिठाइयाँ सारी रखी, कुछ अभी तो बस थोड़ी चीज़ें रखी, बिस्किट ये सब ज़्यादा नहीं रखी। और हमें पाव मिठाई लेना है बस। हम अभी केक ले रहे हैं। ये वाला केक पसंद कराए हमने। चॉकलेट हमने ले लिया, मिठाइयाँ भी हमने ले ली। अब आ जाओ, चलो चलते हैं। आज अक्सर और मेरी पार्टी हो गई है ना अक्सर। पार्टियाँ कर रहे हैं हम। आज बहुत मज़ा आया है, पहले दिन से भी मज़ा आया। पैदल पैदल जा रहे लाला से स्टोर के करीब, क्योंकि वहाँ से हमें पिज्ज़ा लेना है। करो करो, यहाँ से गाड़ी आ रही है। हम जा रहे हैं, चलते जाओ चलते जाओ, ध्यान ध्यान से चलो। और हम लोग पहुँच जाएंगे जल्दी, उतनी थोड़ी सी दूर है। चलते हैं, आ जाओ अगर। अभी मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ और यहाँ से अभी पिज्ज़ा लेने आए लाला से। करीब पिज्ज़ा है मेरा था, जब हम लोग लाला से थे हमने सोचा था कि एक नाकर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग पिज्ज़ा लेने आए। अब देखते हम कौन से लेते, मेरी हम लेते लाज लेते और मेरी बड़ी बहन मेरी सैंडल पर चढ़ दो। अब मुझे ये चुप रही है तो मैं इसको अभी थोड़ा सा सही करती हूँ करूँगी। ये देखिए ये पूरा निकल गया है, ये यहाँ से चुभ रहा और चुभ चुभ के ये मेरे पाँव छिल गया। ऐसा लग रहा है ट्रेन से, अक्सर को लग रहा है कि ये ट्रेन की बीच वाली सीट है। अक्सर मेरे पाँव छिल दिया, देखो अक्सर देखिए। अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है के वेट कर रहे पिज्ज़ा के आने का, और बहुत धूप हो रही है यहाँ से। ये सूरज तो अब देखते कितने मिल रहा था हमारा पिज्ज़ा। गया हमारा पिज्ज़ा और ये मम्मा ने रोल मंगाया अपने लिए, और ये कोल्ड ड्रिंक, और ये हमने आज सारी शॉपिंग करी और इसमें से फालूदा खाया है। तो चलो अभी हम चलते रक्षा कराते, जल्दी से चलते क्योंकि ये ठंडा ना हो जाए। हमारी पार्टी है, अभी मैं यहाँ बैठ गई थी। हम घर पहुँच चुके हैं, पिज्ज़ा ले आए हम, देखे और ये केक ले आए। और ये पिज्ज़ा के साथ बोतल हमें मिली है, 1200-1300 का पिज्ज़ा है, 700 का केक है। और मम्मा ने एक रोल, बच्चों ने अपनी ईदी से ये लिए जमा की थी ईदी, इन्होंने कहा हम पिज्ज़ा खाएंगे। हाँ इसमें खर्च करेंगे। अक्सा ने दिए थे 1000 रुपये, 1000 रुपये 1500 सीमा ने दिए, तो बहुत टेस्टी पिज्ज़ा लग रहा है। और ये पिज्ज़ा विज्ज़ा लिया अपनी ईदी जमा की थी इन्होंने, कह रहे हम खाने पीने में खर्च करेंगे। केक को साइड में रख देते, बहुत तेज की भूख लग रही है, अब खाना खाना। 4 बजे बल्कि 6 बजे शाम के, बहुत तेज हमें भूख लग रही है। चले खाना शुरू करते हैं, और एक मिनट वीडियो का भी एंड कर दो।
इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको हम कैसा लगा, हमारी पिज्जा पार्टी का आइडिया अच्छा लगा या नहीं लगा। और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, ईद के मौके पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब हमें ना ईदी के तौर पर हमें सब्सक्राइब दे दें, सब्सक्राइब इन बच्चियों को खुश कर दें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चले आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।